प्रश्न दोस्त आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट। दोस्तों रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट जो है उसमें मैंने मशीन का प्रयोग करके आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसमें जो है वैक्यूई मेथड की मदद से जो रोबोटिक मशीन होती है वो आपके बालों को निकाल देती है। वो नॉर्मल जो रोबोटिक मशीन है उसको आर्टास बोलते हैं, और वो जो है वो टोटली अपने आप ही ये प्रोसीजर करती है। जबकि आजकल काफ़ी सारे ह्यूमन असिस्टेड मशीन्स भी मिलते हैं, जिनको इंडिया में ह्यूमन असिस्टेड रोबोटिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। इसमें भी FUE मेथड का और नो टच टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, और बाद में इम्प्लांटर से आपको इम्प्लांट किया जाता है। रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट एक काफ़ी कॉस्टली प्रक्रिया है। नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसलिए और उसकी कॉस्ट की वजह से वो ज़्यादा प्रचलित इंडिया में नहीं है, और एक या दो सेंटर ही ये प्रोसीजर शायद करते हैं। रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये वीडियो के एंड में हैं, तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के वीडियो देखा, इसलिए आपका धन्यवाद।